एतमाद का वोट, परवेज इलाही ने गवर्नर की एडवाइस मुस्तरद कर दी। पंजाब असेंबली के बाहर 5 घंटे बाद भी सन्नाटा। गवर्नर का वजीर आला के नाम दोबारा मरासला लिखने का फैसला। परवेज इलाही रहेंगे या जाएंगे, तमाम नजरें गवर्नर हाउस पर मरकूज। चीफ खलीफा ताहिर सिंधू कहते हैं परवेज इलाही को पहले डी नोटिफाई किया जाएगा। वजीर आला ने चार्ज न छोड़ा तो गवर्नर फौज को बुला सकते हैं। तहरीक इंसाफ का कल गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज का ऐलान। इमरान खान अहम ऐलान करेंगे। फवाद चौधरी का गवर्नर पंजाब को गैर आईनी इकदाम से गुरेज का मशवरा। हमाद अजहर कहते हैं गवर्नर राज का वक्त गया, अब आवाम का राज चलेगा। गवर्नर पंजाब ने मिसकंडक्ट किया, बलीगुर रहमान को ओहदे से हटाया जाए। स्पीकर पंजाब असेंबली का सदर मुमलिकत आरिफ अली के नाम खत। राणा सनाउल्ला कहते हैं परवेज इलाही ने एतमाद का वोट ना दिया तो वजीर आला नहीं रहेंगे, गवर्नर उन्हें डी नोटिफाई कर सकते हैं। ख्वाजा साद रफीक भी मैदान में आ गए। एतमाद का वोट लो या पंजाब हुकूमत छोड़ दो। पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तजा बोले तहरीक इंसाफ को मनमानी करने नहीं देंगे। सियासत में लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल। इमरान खान की भी मामलात पर गहरी नजर। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और दीगर रहनुमाओं से मुशावरत। परवेज इलाही की अपना पलड़ा भारी रखने के लिए दौड़ धूप। काफ लीग के पार्लियामानी पार्टी का इजलास। तहरीक अदम एतमाद से निमटने समेत दीगर अमूर पर बातचीत की गई। पंजाब की सियासत में जबरदस्त जलजले की पेशगोई। ऑडियोस, वीडियोस और मालियाती स्कैंडल्स का सिलसिला रुकने वाला नहीं। नई दस्तावेजात लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। सियासत मजीद गंदा होने वाली है, सीनियर सहाफी तलत हुसैन का ट्वीट। सियासत में भूंचाल, सराफा मार्केट क्रैश कर गई। सोना 13,300 रुपए सस्ता। एक तोला खाली सोना 1,76,200 रुपए का हो गया। उधर इंटरबैंक में डॉलर 28 पैसे महंगा। एक अमेरिकी डॉलर 225 रुपए 40 पैसे पर ट्रेड हुआ। वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला, चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल तब्दील। अब्दुल्ला सुंबुल को चीफ सेक्रेटरी लगा दिया गया, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। आईजी फैसल शाहकार ने भी ओहदे का चार्ज छोड़ दिया। गुलाम रसूल जाहिद को आईजी पंजाब का इजाफी चार्ज मिल गया। वजीर आला पंजाब की फुर्तियां जाते जाते एलडीए को भी ना छोड़ा। परवेज इलाही ने मास्टर प्लान 2050 की हतमी मंजूरी दे दी। मास्टर प्लान के लिए लाहौर जिला की वर्किंग मुकम्मल, रीजनल प्लान मंजूर कर लिया गया। इजलास में लाहौर मास्टर प्लान की मंजूरी का मफी एजेंडा भी पेश। एतमाद का वोट तो ना लिया, परवेज इलाही गुजरात पर मजीद नवाजिशात कर गए। गुजरात डिवीजन के लिए मजीद 8 अरब 21 करोड़ की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर। 7 नई स्कीमों को बजट में शामिल करने की मंजूरी। दो रोज में गुजरात के लिए मजीद 9 अरब रुपए का तरक्याती फंड जारी। लाहौर एयरपोर्ट पर हद निगाह इंतहाई कम। 4 परवाजों का रुख शहर इकतदार की जानब मोड़ दिया गया। दुबई, बाकू, टोरेंटो और तमाम से आने वाली परवाजें शामिल। रात 10 बजे से दिन 11 बजे के दरमियान आने वाली परवाजें सामान मुंतकिल करने का फैसला। ट्रेनें भी वक्त की पटरी से उतर गईं। तेजगाम, कराकरम, कराची एक्सप्रेस घंटों ताखीर का शिकार। पाक बिजनेस एक्सप्रेस खैबर मील भी लेट है। खतरे की घंटी बज गई। लाहौर के सीवरेज में पोलियो वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। आउटफॉल रोड से लिए गए सीवरेज के नमूने में वायरस की तस्दीक हुई। चलाई जाने वाली मुहिमात पर सवालिया निशान। राणा सनाउल्ला के मेहमद लोहिया जिरगा से मुजाकरात कामयाब। पख्तून बरादरी के शराफती कार्ड, पासपोर्ट के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। मुजाहरीन ने गवर्नर हाउस के बाहर से धरना खत्म कर दिया। माल रोड पर ट्रैफिक रवाना। रेस्टोरेंट और मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का फैसला नामंजूर। तादर बरादरी ने हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। शेख इम्तियाज, उस्मान मलिक, मियां मकबूल समेत दीगर ताजर रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर अंजुमन ताजरान और पाकिस्तान का हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालिबा।
पंजाब में बदलती सियासी सूरत हाल और हल्का बंदियां, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन का लाहौर में 402 यूनियन काउंसिल्स बनाने का फैसला। एक यूनियन काउंसिल 25,000 आबादी पर मुश्तमिल होगी। हल्का बंदी यूनियन काउंसिल की तशकील आबादी 10% ज्यादा या कम की बुनियाद पर होगी। मोटरसाइकिल के नाकिस स्पेयर पार्ट्स देने का मामला, मंसूरा के गुलाम रसूल का मदीना ऑटोस एलाम इकबाल टाउन के खिलाफ दावा दायर। सारिफ अदालत ने मालिक को 20 दिसंबर को तलब कर लिया, नोटिस जारी कर दिया गया। बादामी बाग सब्जी और फल मंडी की मुंतकली का मंसूबा, कमिश्नर आमिर जान की जेर सदारत रूदा हेड ऑफिस में इजलास हुआ। इमरान अमीन, अहमद अजीज तारट समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से मंसूबा की तकमील पर तबादला ख्याल। मियां असलम इकबाल की बतौर वाइस चेयरमैन एलडीए नामजदगी मंजूरी, वजीर पार्लिमानी अमू राजा बशारत की जेर सदारत काबीना कमेटी का इजलास। तारिक अली, अकराम हाशमी और असगर अली को भी नई जिम्मेदारियां तफवीज कर दी गई। सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल से चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन की मुलाकात। गंदम की कीमत और खाद की अदम दस्तियाबी समेत दीगर मसाइल पर बातचीत। गुलाम मुस्तफा बटू, मियां उमर मसूद और मोहम्मद हुसैन भी मौजूद थे। यूईटी में यूएनएसडी जेजवाल और सीबीडी वर्कशॉप हुई। मारूफ ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह ने लीडरशिप स्किल्स पर तलबा से गुफ्तगू की। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और सोसाइटी ऑफ वुमेन इंजीनियर्स पंजाब चैप्टर के माबैन मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल का लाहौर हाईकोर्ट का दौरा। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट की जानिब से चाय का एहतमाम किया गया। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की जेर सदारत जजेस की इंतजामी कमेटी का भी इजलास हुआ। जिले अदालतों के इख्तियार से तजावुज करने वाले जजेस के खिलाफ कार्रवाई पर बात। डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर में बुराई से भलाई तक का सफर, तकरीब 10 साल बाद रहा होने वाले कैदी मुरीद आवास के लिए लोडर रिक्शे का तोहफा। आईजी जेल मुबशर अहमद खान, सैयदा फरोह हाशमी और चौधरी अली अकबर की शिरकत। नम्स यूनिवर्सिटी में मसावी और पायदार तरक्की के मौजू पर कॉन्फ्रेंस हुई। खवातीन को बा इख्तियार बनाने, मौशी तरक्की में साझेदारी पर इजहार ख्याल। राबिया मलिक, शानदाना खान, यासिर खान की बतौर पैनलिस्ट शिरकत। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में विंटर स्कूल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान और जर्मनी के वफूद की शिरकत। प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्जा, प्रोफेसर डॉक्टर डाइटावॉल्ट, प्रोफेसर डॉक्टर शकील महमूद न्यू का इजहार ख्याल। जेसी यूनिवर्सिटी में पंजाब करियर एक्सपो, 75 से ज्यादा कौमी और बैन अलाक्वामी कंपनियों ने स्टॉल लगाए। तुलबा को मुलाजमतों और इंटर्नशिप की ऑफर। पाक फजाइया और पाक बहरिया के मालूमाती स्टॉल तवज्जो का मरकज। हजूरी बाग में क्रिसमस की रंगारंग तकरीब, मसीही बरादरी की बड़ी तादाद में शिरकत। सीईओ एलडब्ल्यूएमसी अली अनान कमर, डीसी लाहौर भी शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली का मसीही मुलाजमीन के लिए क्रिसमस का तोहफा। 10,000 सैनिटरी वर्कर्स को एक तनख्वाह बोनस देने का ऐलान। सदर न्यू ओरेगा मार्केट, मलिक कामरान के भाई मलिक खुरम की शादी। बाबर भट्ट, इरफान हुसैन, मलिक जमान असीब, दानिश आरिफ की शिरकत। काशिफ रहमान, हाजी नवाज कपू, अदनान फयाज, असमत अली शाह, फैसल भट्ट का नौ ब्याहता जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुल्क के तिबी इदारे तजर्बा गाह बन गए। नाम नहाद रेगुलेशन के नाम पर शबे खून मारा गया। जिम्मेदारान के नाम ईसीएल में डाले जाएंगे। सदर पीएम ने प्रोफेसर अशरफ निजामी का मुतालिबा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को 10% तुलबा की मुफ्त तालीम का पाबंद बनाने की तजवीज। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 16 रुकनी कौमी टीम का ऐलान। बाबर आजम कप्तान होंगे। इमामुल हक, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, वसीम जूनियर भी स्क्वाड का हिस्सा। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट 26 दिसंबर को खेला जाएगा।
PFF के तहत गोलकीपर्स के लिए तरबियती कैंप, उस्मान अली, सलमान उल हक, साकिब सईद उर रहमान समेत 22 गोलकीपर शामिल, कोच जाहिद ताज खिलाड़ियों को तरबियत देंगे। अलीगढ़ पब्लिक स्कूल गुलबर्ग की तकरीब तकसीम इनामात, पोजीशन होल्डर्स को शीट से नवाजा गया। तुलबा के सुफियाना कलाम पर शानदार परफॉर्मेंस, सूबाई कमिश्नर गर्ल्स गाइड सरवत हामिद, डॉक्टर हवाला शाहीन, प्रिंसिपल नरगिस फारूक की शिरकत। पाकपुर मुआरिफ इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज के जेर तमाम स्पोर्ट्स गाला, बच्चों ने मार्च पास करके खूब दाद वसूल की। तालिबात ने रेस, रस्साकशी, कैंगरो रेस समेत दीगर खेलों में हिस्सा लिया। पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में इनाम तकसीम किए। सिनेमा घर भी रात 10 बजे बंद होंगे, 9 से 12 का शो नहीं चलेगा। 7 का शो 10 बजे तक खत्म करना होगा, जिला इंतजामिया के अहकाम जारी। थिएटर के फनकार भी रात 10 बजे की बंदिश से परेशान हैं। अल हमरा हॉल आर्ट सेंटर में टैलेंट हंट शो, नौजवान फनकारों उसामा, मुगल, फुरकान अली, छोटू की शानदार परफॉर्मेंस। फ्लूट प्लेयर मोहम्मद तैयब ने भी महफिल में खूब रंग जमाया। और लाहौर में जेरे तालीम अरब ममालिक के तुलबा का गुलबर्ग में फेयरवेल, यमन, लबनान, सऊदी अरब, मिस्र, मराकेश और लबनान के तुलबा शामिल। ग्रेजुएशन मुकम्मल होने पर जश्न, अरबी गानों पर रक्स ने समा बांध दिया।